For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. हमारा खलनायक सबसे बड़ा नायक बनकर सामने आ रहा है. जी हाँ, खलनायक यानी कि ऑफ कोर्स संजय दत्त. वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा. मैं हूँ ज्योति नाहक. जिस तरह का पैंडमिक सिचुएशन चल रहा है पूरी दुनिया में और इंडिया भी सफ़र कर रहा है, ग्लोबल क्राइसिस से हम लोग गुजर रहे हैं, ऐसे टाइम पर एक्टर्स बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं अपनी अपनी तरह से, जितने भी लोगों की वो मदद कर सकते हैं. बिकॉज कितने लोगों को मदद चाहिए उसका पैमाना बहुत बड़ा है, एक्टर्स उस पैमाने के हिसाब से बहुत कम है. लेकिन संजय दत्त फिर भी कोशिश कर रहे हैं और बाकी बहुत एक्टर्स कर रहे हैं. ऐसे में अगर मैं बात करूँ, हाल ही में एक पोस्ट आया था जहाँ पर ये बात सामने आई थी कि डब्बा वालाज, मुंबई के डब्बा वालाज जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक डब्बे पहुँचाते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में, और तकरीबन 50-60 सालों से ये चीज़ें चलती आ रही हैं, उससे ज़्यादा ही शायद. इस वक्त वो डब्बा वालास को हमारी ज़रूरत है. जी हाँ, वो क्राइसिस में है, उनके पास खाने के पैसे नहीं हैं. जो दूसरों तक खाना पहुंचाते हैं उनके पास खुद खाने के पैसे नहीं हैं. ऐसे में संजय दत्त ने इनिशिएटिव लिया है. जी हाँ, संजय दत्त वापस से इस चीज़ के सपोर्ट में आए हैं. इससे पहले भी कई चीज़ें संजय ने सपोर्ट की हैं, लेकिन अब वापस संजय दत्त इस चीज़ों के सपोर्ट में आए हैं और उन्होंने कहा है कि वो मदद करेंगे अपनी तरफ से, और साथ ही साथ अर्ज किया है लोगों को कि आप लोग भी जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी ज़्यादा मदद करें. सो संजय दत्त के इस नेक इनिशिएटिव पर, हमारे खलनायक के इस नायक वाले काम पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे या आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में. दिस इज़ ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ.